नागिन 6 को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। शो में हाल ही में लंबा लीप आया है, जिसके साथ कहानी नए सिरे से आगे बढ़ती भी नजर आ रही है। देखा जाए तो लंबे वक्त से नागिन 6 की ऑफेयर होने की खबरें खूब सामने आती रही हैं। कई बार शो को लेकर दावा किया गया कि शो बंद होने जा रहा है, लेकिन फिर शो को एक्सटेंड कर दिया गया। वहीं अब नागिन से जुड़े कुछ फैन पेजेस पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि नागिन 6 का अंत जुलाई में कर दिया जाएगा। कहा ये तक जा रहा है कि मेकर्स 9 जुलाई के आसपास शो के ग्रैंड फिनाले को लाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 15 से 17 दिनों में नागिन का अंत होगा। इस खबर ने फैंस के बीच में भी हलचल को काफी बढ़ा दिया है और वो एक बार फिर से ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई ये बात सच है और शो जुलाई में बंद होगा। तो आपको हम शो के भविष्य से जुड़ी वो 3 बातें बताते हैं जो ये साफ इशारा करती हैं कि नागिन 6 का फिलहाल अंत नहीं होने वाला। अब क्या है वो 3 बातें, ये भी सुनिए जरा। पहली बात, अभी नए अध्याय की हुई है शुरुआत, नई कहानी को जमाने में लगेगा थोड़ा वक्त। जैसे कि आप जानते ही हैं कि नागिन 6 में कुछ वक्त पहले ही मेकर्स ने नई कहानी का आरंभ किया है लीप के साथ, जिसमें इस बार कहानी प्रगति और राघव नाम के 2 नए किरदारों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। ऐसे में ये कहना कि मेकर्स अगले 15 से 17 दिनों में इस नई कहानी का अंत करने वाले हैं, ये बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरने वाली। कहने का मतलब ये है कि नागिन 6 में हाल ही में लीप आया है और नागिन की नई कहानी की शुरुआत ही हुई है। ऐसे में कैसे मेकर्स इतनी जल्दी कहानी को अंतिम पड़ाव दे देंगे? जाहिर तौर पर नई कहानी को जमाने के लिए उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए, जिसके साथ मेकर्स भी एक अच्छा अंत दे पाए। ऐसे में साफ है कि नागिन 6 जुलाई में तो बंद नहीं होने वाला। दूसरी बात, नागिन की अच्छी टीआरपी से फिलहाल बंद नहीं हो रहा शो। नागिन 6 फिलहाल बंद नहीं होने वाला, इसका दूसरा कारण है शो को मिल रही अच्छी टीआरपी। लंबे वक्त से नागिन 6 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बेशक शो बार की टॉप 10 की लिस्ट में बरकरार नहीं रहता हो, लेकिन आपको बता दें कि नागिन 6 कलर्स टीवी के सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाले शो में से एक है, जो हर वीक ऑनलाइन टीआरपी में भी धाक जमाता है। इन दिनों वैसे भी कलर्स के शोज कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं, चैनल की उम्मीदें भी नागिन 6 पर ही टिकी हैं। इससे साफ है कि शो को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स से ये शो नेक्स्ट मंथ भी बंद नहीं होगा। और तीसरी बात, मेकर्स की तरफ से भी नहीं कोई इशारा। नागिन 6 की शुरुआत फरवरी 2022 में हुई थी। शो को टेलीकास्ट हुए 1 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चला है। अब तक कई बार नागिन 6 के बंद होने की खबरें सामने आई, लेकिन ना तो अब तक मेकर्स ने ऑफिशियली तौर पर कुछ कहा और ना ही शो से जुड़े किसी स्टार ने। ऐसे में ये भी बड़ा इशारा है कि शो कहीं नहीं जा रहा। वेल, तो ये है नागिन 6 के भविष्य से जुड़ी वो 3 बातें जो साबित करती हैं कि अगले 1.5 से 2 महीने ये शो कहीं नहीं जाएगा।